शहर के वार्ड 13 मुंशी बाजार में काफी दिनों से पानी की समस्या के साथ गंदे पानी की समस्या भी बनी हुई है। वार्ड के पार्षद घनश्याम ने बताया कि वार्ड में पानी की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने 15 दिन में पानी की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक आश्वासन के बाद वार्ड में पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। नलों में गंदा पानी और आने लग गया है। पानी थोड़ा बहुत आ भी रहा है तो गंदा पानी आ रहा है। नलों में गंदा पानी का ना तो नहाने के काम में ले सकते हैं और ना ही उसे पीने के काम में ले सकते हैं। ऐसे में वार्ड वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पांच महीना हो गया पानी का एक बूंद नहीं आए और 500 रुपए का बिल आ गया। खा का पानी लाना पड़े माले के गेट से बाहर से। अब क्या करें बताओ, माले के गेट से पानी लाना कोई दिल नहीं है क्या? इस उम्र में आप पानी लेने के लिए? मेरी उम्र है 90 बरस की और पानी लानी पड़े, का ही करूँ? परेशान हो पानी के लिए? अब ये पानी का कोई इंतजाम करो भाई। जबकि आपका आपका जो बेटा है वो पार्षद है। ये पार्षद जी ये खड़े हैं और ये पार्षद हमारे छोर है, खासे ले आए बिल। क्या कहना चाहोगे पानी के बारे में? जो पानी पानी इतनी जबरदस्त समस्या हो रही है पानी की, बस पूछो मत। हमारे बुजुर्ग, हम सब बाहर से पानी लाना पड़ता है हम लोगों को। सारा गवर्नमेंट कहती है कि साहब आधा घंटा 20 मिनट पानी दे रहे हैं, 5 मिनट पानी नहीं आ पाता है। कोई पानी गलती से आ भी जाता है तो इतना गंदा आता है जो बच्चे बीमार होने का डर होता है। अभी मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, मेरे को खुद को टैंकर बाहर से मंगाना पड़ा। हालत खराब है वार्ड, हालत बहुत 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 ज़्यादा खराब है। और मेरे वार्ड में जब से बहुत तेजी के साथ जो धरना दिया गया था उस पर AN/SN/SC साहब ने एक बात कही थी कि 15 दिन के अंदर सारे वार्डों में पानी की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, मगर और वार्डों के तो क्या चली। मेरे वार्ड में आज तक एक बूंद पानी नहीं आया है, जबकि मैं JN/AN/SC साहब से खूब निवेदन कर चुका हूँ। पानी की इतनी भारी किल्लत है कि मेरे इस इलाके में ना तो बोरिंग का पानी आ रहा है, ना मीठा पानी आ रहा है, किसी भी प्रकार का कोई पानी नहीं आ रहा है। वह कहते हैं कि टैंकर डलवा लो, टैंकर डलाने से यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं। किसी को भराता हूँ तो परेशानी, नहीं भराता हूँ तो परेशानी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे वार्ड के काम हैं उनको अगर तुरंत गति से नहीं कराए गए तो मैं फिर इनका जीना आराम करूँ। पानी भी गंदा आ रहा है क्या? पानी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है। मुंशी बाजार में हनुमान जी के पास से गंदा आ रहा है, मेरे वो मोहल्ले में गंदा आ रहा है और एक दो जगह और भी गंदा रहा है। मगर क्या करें, जो JN पहले वाले चले गए, नया आया, उसने वार्ड को देखा, समस्याओं को समझा, तो उसमें उस JN का रात को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब इसमें ये JN यहाँ मौजूद नहीं है, AN साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। मैं सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ, AN साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। अब मैं तो मजबूरी में फंसा हुआ हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ पानी के चक्कर में, कुछ समझ नहीं बैठ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम सोनी है। मेरे वार्ड में चारों तरफ समस्या है। वार्ड नंबर यहाँ तक कि मेरे पिताजी 65 साल की उम्र के हैं, 87 साल की उम्र के हैं, मुंशी बाजार से पानी भर के लाते हैं। एक पार्षद के लिए डूब मरने की बात है। और वार्ड में मालन की गली, बिच्छू की गली और बलजी राठौर की गली में तो इतनी तगड़ी भारी समस्या है कि बाजार से जो सागर की टंकी की सप्लाई चलती है वो सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की, पौन घंटे की, एक घंटे की होती है, जिससे ना तो कोई सी भी गली में पानी ना तो छड़ता है। अब पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है? पानी नहीं आ रहा, कतई नहीं आ रहा। आपने शिकायत करी थी इस पानी के लिए? मैंने पानी की कई बार शिकायत कर चुकी है और डेली सुबह ऐसी से लेके JN तक का फ़ोन करता हूँ। अब JN साहब का स्वयं का फ़ोन आया है जिसमें कहा कि मेरा रात को ट्रांसफ़र हो गया है। अब मैं किस JN से कहूँ? AN कहता है कि JN से कहो, JN है नहीं। तो मेरा वार्ड तो बिल्कुल निछोच बिना पानी के तरस रहा।